हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितु शर्मा। आज मैं आपके साथ खांडवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इजी और हेल्दी होती है। खांडवी गुजरात का बहुत ही पॉपुलर स्नैक्स है। इसको गुजरात में ब्रेकफास्ट में भी सर्व किया जाता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप कसा हुआ सूखा या ताज़ा नारियल, आधा कप कटा हुआ धनिया, आधा कप ग्रेट किया हुआ या मैश किया हुआ पनीर, इन सब को एक साथ मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को बनाकर एक साइड रख देंगे। तो चलिए हम खांडवी की तैयारी करते हैं। एक पैन में एक कप बेसन लेंगे, एक कप खट्टा दही, दही थोड़ा खट्टा ही रहना चाहिए, अगर आपका फ्रेश है तो आप उसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। पानी और दही की जगह पर आप 3 कप बटर मिल्क भी ले सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे, फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे कि लम्ब्स ना बने इसमें, इसके लिए आप विस्कर या ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप पानी और ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोई लम्ब्स नहीं रहना चाहिए, ध्यान रहे। अब इसमें 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, 1/4 चम्मच हल्दी, 3/4 चम्मच नमक या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लम्ब्स का ध्यान रखें, इसमें लम्ब्स ना रहें। मिक्स करने के बाद अब हम इसको गैस पर कुक करेंगे। खांडवी को हम लो फ्लेम पर ही तैयार करेंगे। पूरे प्रोसेस में हमें आँच को धीमा ही रखना है। इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना बने। और अब ये मिक्सचर हमारा धीरे धीरे थिक होने लगा है। अभी भी इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और जलने का डर रहेगा। हमारा बैटर अब रेडी दिख रहा है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एक ग्रीस की भी प्लेट पे थोड़ा सा बैटर फैला कर देख लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद उसको रोल करके देखेंगे, अगर वो रोल होता है मतलब है हमारा बैटर रेडी है, और नहीं होता है तो इसका मतलब हमें 1-2 मिनट के लिए उसे और कुक करना है। 1-2 मिनट और कुक करने के बाद उसको फिर से चेक करेंगे। थोड़ा सा बैटर एक ग्रीस की भी प्लेट पर फैला देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद उसको रोल करके देखेंगे, हमारा रोल इसमें बन रहा है। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और एक थाली को पीछे की साइड से ग्रीस करेंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा बैटर लेके पतला पतला फैला देंगे। इसकी लेयर पतली रखनी है, पतले पतले खांडवी बहुत अच्छी बनेगी। मोटा रहेगा तो इसका क्रैक होने का भी डर रहेगा और ये अच्छी भी नहीं लगेगी। अब एक प्लेट तैयार हो गई है, इसी तरह से बाकी सारा बैटर भी हम दूसरी थालियों पर फैला लेंगे और इसको 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इनको पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेंगे या जितना साइज आपको रखना है उस हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। अब इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, आप चाहें तो इसमें देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब जो मिक्सचर हमने पहले तैयार किया था, अब उस मिक्सचर को इसके ऊपर फैला लेंगे। अब इन स्ट्रिप्स को हल्के हाथ से केयरफुली रोल करेंगे और सारी स्ट्रिप्स को रोल करने के बाद एक प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से हमारे सारे रोल्स तैयार हो जाएंगे। और जो बाकी का बैटर था हमने दूसरे प्लेट से फैलाया था, उनको भी इसी तरह से रोल कर लेंगे। और अब हम इसके लिए तड़के की तैयारी करते हैं। उसके लिए एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच सरसों के दाने, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, इनको भून लेंगे। तिल चटकने लगते हैं तो थोड़ा ध्यान से भूनें। इसमें 8-10 कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसको भून लेंगे, जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा तो गैस ऑफ कर देंगे। तड़का रेडी हो गया, अब इसको हम खांडवी रोल्स के ऊपर फैला देंगे, अच्छे से सबके ऊपर डाल देंगे। और अब इसको हम कटे हुए हरे धनिया और कसे हुए नारियल से गार्निश करेंगे। आप इसमें नारियल ड्राई या फ्रेश कोई भी ले सकते हैं। अब हमारी खांडवी सर्व करने के लिए रेडी है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।